अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन यखनी पुलाव, जो बहुत ही शानदार और लजीज बनने वाली है। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए पतीला तो चाहिए ही चाहिए। चलो लेते हैं अब एक बड़ा सा पतीला। बड़े से पतीले में आप थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल गरम करेंगे। तेल में हमने जीरा, शाह जीरा, तेजपत्ता, हरी इलायची, बादियान, लौंग और काली मिर्ची डाल दी है। अभी इन सभी मसालों को तेल में अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज और आलू डालेंगे। अब हम ये प्याज को बीच बीच में हिलाते रहेंगे जब तक ये प्याज क्रिस्टल ब्राउन न हो जाए। अब 15 से 20 तीखी हरी मिर्च क्रश की हुई इसमें ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इन मसालों को अच्छे से भून लेना है। बिना चिकन के यखनी पुलाव कैसा? तो अब हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है चिकन। तो अब हम लेंगे 2 किलो अच्छे से वॉश की हुई चिकन। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आई होप आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अब हम इस चिकन को 5 से 7 मिनट तक ढक कर पकने देंगे। अब 7 मिनट बाद चिकन का टेक्सचर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चिकन यखनी पुलाव को ज़्यादा लजीज बनाने के लिए 250 ग्राम दही ऐड करेंगे। अभी दही को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे 5 मिनट के लिए ढक कर पकने देंगे। अब यहाँ 5 मिनट हो चुका है। हमने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया है। आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड कर ले। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और पानी का एक उबाल आने तक इसे हम ढक कर रख देंगे। अब पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें भीगे हुए 1 किलो बासमती राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करने के बाद अब हम उसे अच्छे से मिला लेंगे। मसालों में तो हमने नमक ऐड किया था, अब हम चावल के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अब हम उसे अच्छे से मिलाएंगे और उसे ढक कर रख देंगे जब तक चावल का पानी सूख ना जाए। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं चावल का पानी सूख चुका है।
अब हम इसे ढक कर 15 से 20 मिनट तक दम करने के लिए रखेंगे। चिकन यखनी पुलाव खाने के लिए तैयार है और आप सभी के लिए एक टास्क है, वो ये है कि आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइए कि चिकन यखनी पुलाव को हमने कितनी बार ढांक कर पकाया है। जो टॉप 3 कमेंट्स होंगे हम उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे ये क्या, नूडल्स? Stay tuned for our upcoming recipe, noodles. Jazakallahu khair. Thanks for watching.